अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। आंचल भर ले स्वागत में है रोशन, स्वागत में है रोशन आपके लिए, आंखों में सुनहरे सपनों के दिए। स्वागत में है रोशन, आप आए उल्लास आया जैसे कोई मधुमासाया। आप आए उल्लासाया जैसे कोई मधुमासाया। आपके स्वागत में यह बेला आई सोला श्रृंगार किए। स्वागत में है रोशन आपके लिए, आँखों में सुनहरे सपनों के दिए। स्वागत में है रोशन, हुए आपके जब दर्शन, महक उठे श्रद्धा के सुमन। हुए आपके जब दर्शन, महक उठे श्रद्धा के सुमन। श्रद्धा के यह सुमन समर्पित आपको आप इन्हें लीजिए। स्वागत में है रोशन आपके लिए, स्वागत में है रोशन। प्रतीक्षा थी निगाहों में, पलके बिछी थी राहों में। प्रतीक्षा थी निगाहों में, पलके बिछी थी राहों में। प्यास के मन में दर्शन जल के प्याले भर भर हमने पिए। स्वागत में है रोशन आपके लिए, आँखों में सुनहरे सपनों के दिए। स्वागत में है रोशन। ओम शांति, ओम शांति। आदिनी बहन और स्नेहा बहन दोनों का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और क्या कहेंगे, आपका तो गुड मॉर्निंग कहेंगे ना। यहाँ तो नाइट हुई लेकिन आपकी मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग बड़ौदा परिवार, आपका बहुत बहुत दिलो जान से स्वागत करता है। और भाई और बहनों, हमारी आज विनोदिनी बहन जो है वो अपना अनुभव सुनाने जा रही है। और अगर मैं परिचय दूं तो विनोदिनी बहन मूल मलेशिया से, माना एशिया से, एशिया उपखंड से ही कहेंगे तो मलेशिया से है आप, लेकिन पिछले 16 वर्षों से आप लॉस एंजलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 30 साल से आप इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग से जुड़े हुए हैं। और न्यूरोसाइंस और बायोकेमिस्ट्री के आप डिग्री होल्डर हैं, तो बाबा के बहुत यूजफुल हैंड है, काफी आप अनुभवी आत्मा है। तो आज हम आपका अनुभव सुनेंगे। और खुशी की बात प्यारे साथियों ये भी है कि विनोदिनी बहन मलेशिया से है और लॉस एंजलिस में है इस वक्त, लेकिन हिंदी बोल पाती है, ये भी खुशी की बात है। समझती है हिंदी, आप बोलती भी है, लेकिन क्योंकि हमारी गीता बहन भी बहुत होशियार है ना, और ये लोग एकदम प्रिपेयर्ड रहते हैं, तो स्नेहा बहन जो है ना वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कहीं अगर हमारी विनोदिनी बहन हिंदी में स्टक हो जाए, अटक जाए, तो सपोर्टर के हिसाब से हमारी स्नेहा बहन है। लेकिन साथियों ये भी बताऊं कि स्नेहा बहन को हम कल सुनेंगे, तो कल हम स्नेहा बहन का भी अनुभव सुनने वाले हैं। तो परिचय स्नेहा बहन का मैं कल ही दूंगा, लेकिन आज विनोदिनी बहन सुनावे तो भले। मीठी मीठी विनोदिनी बहन, विनोद आप कराए हम सबको। विनोद समझते हिंदी के मतलब, विनोद का मतलब भी आप जानते ही होंगी, तो आपके अनुभवों के द्वारा जरूर हम सबको विनोद भी प्राप्त होगा।
तो भले आप शेयर करना शुरू करें। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे भैया ने कहा कि हमारा हिंदी शुरू शुरू में जब हम आए थे हम कुछ भी हिंदी नहीं बोलते थे, कुछ भी, जैसे मलेशिया में हम हिंदी नहीं बोलते हैं, मले वो लोकल लैंग्वेज है, हम वो बोलते थे, इंग्लिश ऑफकोर्स इंग्लिश तो ज़रूर है वहाँ, और फिर हमारा मदर टंग है तमिल, लेकिन हमारा हम चार जनरेशन्स मलेशिया में ही है, तो कोई फैमिलीज नहीं है इंडिया में, तो लेकिन मदर टंग तो है तमिल, और फिर थोड़ा थोड़ा चाइनीज़ बोलते हैं क्योंकि हमारा चाइल्डहुड फ्रेंड्स बचपन के तो सब ज़्यादातर चाइनीज़ थे, और हमारा पढ़ाई एक मुस्लिम स्कूल में हमने किया, तो कुरान और इस्लाम ये सब हमारा स्टडीज़ में ही थे, तो इसीलिए कभी हिंदी का एक्सपोजर नहीं था। फिर बाबा के पास यहाँ सेंटर पे लॉस एंजलिस जब हम आए थे तो सभी लोग हिंदी और गुजराती दोनों बोल रहे थे, और हमको कुछ भी एक शब्द भी समझ में नहीं आती थी, तो धीरे धीरे जैसे, लेकिन हमको सुनने का बहुत पसंद था, जो वो साउंड लैंग्वेज का जो साउंड है उनको बहुत पसंद था, तो जो भी माता और गीता बहन बोल कम्युनिकेशन करते थे तो हम गूगल में जाके सर्च किया, अच्छा इसका अर्थ क्या है, ये वर्ड का अर्थ क्या है, तो हमारा एक छोटी बुक था तो उसमें अच्छा ये शब्द माना ये अर्थ है, ऐसे ऐसे लिखकर हमने शुरू किया। फिर बाबा का जो मुरली है हिंदी में हम सुनते थे और साथ में हाथ में इंग्लिश मुरली थी, तो जो शब्द हम हिंदी में सुन रहे थे वो इंग्लिश मुरली में हम ऐसे ऐसे इसे लिखा, तो इसीलिए करके करके अभी थोड़ा तो हिंदी आती है अभी। फिर भी स्नेहा बहन को बुलाया जैसे इमरजेंसी सपोर्ट के लिए, अगर कहीं स्टक हो जावे तो स्नेहा बहन है हमारी मदद के लिए, तो ये हमारा थोड़ा एक अनुभव है कैसे हमने हिंदी सीखा। तो जब हम पहली बार बाबा के पास आए थे तो हमारी उम्र लगभग 3-4 साल की थी, छोटी उम्र में, तो उस समय पेरेंट्स ज्ञान में नहीं थे और बहुत अगेंस्ट थे, वैसे पेरेंट्स बहुत अगेंस्ट थे, लेकिन हम अपनी नानी के साथ, मदर की मदर नानी कहते हैं ना, नहीं? तो नानी के साथ हमने जाने का शुरू किया सेंटर पे, क्योंकि नानी को मेडिटेशन सीखना बहुत शौक था, तो वो हमको बेबी सिटिंग करती थी, तो इसीलिए हमको साथ भी लेके जाती थी, तो उस समय इतना यंग है तो कुछ ज्ञान का कुछ भी समझ में नहीं आई थी, खाली इतना है कि वो वाइब्रेशन हमको बहुत पसंद आया, सेंटर का वातावरण और दीदी का सभी सिस्टर्स का जो प्यार है, स्वीटनेस है, तो वो सब जैसे बहुत अट्रैक्टेड हुआ, तो इसलिए फिर जाना शुरू किया, और फिर ये बाबा की शब्द भी बाद में जैसे समझ में आया, लेकिन अनुभव ये भी था कि जब खोस सिस्टर ब्रदर्स सिस्टर्स जब खोस देते थे तो समय कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो बाबा ने हमको विजन द्वारा एंटरटेन बहुत किया खोस के समय, तो एक बार जैसे विजन ये है कि बाबा जैसे सामने खड़ा है और जैसे जैसे बाहों जैसे ओपन करके ओपन आर्म्स करके बाबा जैसे बुला रहा था, तो उस समय थोड़ा डर भी था कि सामने ये सोचा कि शायद ये भूत होगा गोस्ट क्योंकि बाबा का कपड़ा भी वाइट, और कार्टून में भी दिखाते हैं ना कि भूत वाइट कपड़ा में होते हैं,
बट इट वॉज इन अ स्कैरी गोस्ट, नो भूत इतना भी जैसे स्कैरी नहीं था. तो धीरे धीरे जैसे वो क्लोजनेस आया, फिर एक दूसरी विजन है दूसरी दिन में कि जैसे बाबा के साथ स्विंग पे बैठे थे और जैसे हम दोनों झूले में नो झूल रहे थे. तो धीरे धीरे वो विजन द्वारा वो जैसे बाबा ने खींचा, ज्ञान द्वारा नहीं था क्योंकि समझ इतना भी नहीं था उस उम्र में. पर वो प्यार, जैसे हमने कहा वो प्यार है, एनर्जी है, स्वीटनेस है, ये सब बहुत खींचा सेंटर को जाने के लिए. फिर जब हम वापस आए घर, और इतना शौक भी था कि पेरेंट्स के साथ शेयर करें, लेकिन पेरेंट्स सुनने के लिए राजी नहीं थे और ये बोल रहे थे कि आप क्यों यू नो आप क्यों जाते हो ऐसे वैसे. क्योंकि ना वापस जब हम आए थे घर में तो पेरेंट्स को बोला कि हमको वेजिटेरियन रहना है, अनियन गार्लिक नहीं खाना है. तो वो तो बहुत शॉक लगा पेरेंट्स को, यू नो क्या है ये 3 साल की बच्ची ऐसे क्यों यू नो बोलती है. और पेरेंट्स तो मीट खाते थे तो सब ऐसे करते थे, तो पेरेंट्स को बहुत जैसे गुस्सा आया कि आपको क्या पता यू नो. जैसे कहते हैं ना कि मीट खाने से स्ट्रेंथ मिलेगा, प्रोटीन आएगा, बच्चों को ग्रोथ हुआ होगा, तो ऐसे ऐसे यू नो करते थे. बट आई वॉज वेरी स्टबर्न, हमने बहुत जैसे जिद करते थे. और जब भी मदर हमको फोर्स करके खिलाते थे तो मैं ऐसे वॉमिट करती थी और भाग जाती थी और खाना नहीं खाती थी. तो यू नो कभी कभी जैसे बीमार हो जाती थी, तो फिर मदर को भी थोड़ा मर्सी आया, चलो आपके लिए यू नो वेजिटेरियन पकाऊंगी ऐसे. तो ऐसे ही चला फिर अबाउट 1.5 years, जैसे वन एंड हाफ ईयर्स क्या कहते हैं हिंदी में, स्नेहाबेन, डेढ़ साल. ओके थैंक यू. तो 1.5 साल के बाद फिर पेरेंट्स ज्ञान में आए, और वो भी पेरेंट्स इसीलिए आए क्योंकि मैंने बहुत प्रेशर किया पेरेंट्स को सेंटर में आने के लिए. तो खास हमारी इच्छा पूरी करने के लिए सेंटर में आए थे, पर उनका जर्नी भी थोड़ा अलग था यू नो. सबका जर्नी बहुत अलग होता है, सबका रियलाइजेशन भी अलग होगा, चेंजेस भी अपना अपना टाइम अनुसार होगा. बट इतना तो ये कि मना नहीं किया उसके बाद हमको सेंटर में जाने के लिए. तो ये हमारी शुरुआत हुआ. फिर धीरे धीरे अपने जैसे मदर की छोटे भाई है, तो फिर उनको भी सेंटर में लेके गए. आई थिंक उस समय हमारा उम्र शायद 6 साल के होंगे. अंकल को भी लेके गए, फिर हमारी मदर की दूसरी छोटी बहन है उनको भी लेके गए. तो धीरे धीरे जैसे फैमिली में, ऑफकोर्स फैमिली तो बहुत बड़ा है, मदर को 13 भाई बहन हैं, तो उसमें ओनली 3 यू नो मदर और भाई और एक बहन, तीनों भी केस है. वो लोग अपना अपना सेंटर्स चलाते हैं मलेशिया में. बट उसके बाद जो बाकी फैमिली मेंबर्स है उनको सामना करना इजी नहीं था. हमको 27 कजन्स है, तो उसमें हम नंबर 7 हैं. तो हम अपने सभी कजन्स जो छोटे छोटे कजन्स को हमने जैसे संभाला, टू केयर किया. तो हमारे कजन्स के लिए जैसे हम उनकी माँ बन गए, तो हमारी कजन्स के ऊपर बहुत अंडरस्टैंडिंग है. लेकिन बड़ों के साथ इतना नहीं था. अभी तो बहुत यू नो चेंजेस बहुत आए, बट उस समय जैसे सभी ने क्या कहते हैं ठोक मारते, जैसे आपको क्या पता आप इतना छोटी है, क्या वेजिटेरियन, क्या मेडिटेशन, उम्र क्या है यू नो. और सपना अपना अपना जैसे
पाथ में है, बहुत भक्ति, बहुत डिवोशनल आत्मा है, तो समझ नहीं पाए कि हम इतना जिद क्यों करते हैं। तो बहुत ठोक मिला जब भी हम जैसे फैमिली गैदरिंग में जाते थे, तो ऐसे ही कि कभी कभी फोर्स करके खाना खिलाना चाहते थे और मैं भाग जाती थी। फिर अंदर से ये सोच आया कि वो लोग क्यों नहीं समझते, व्हाई डोंट दे एक्सेप्ट मी, हमको क्यों नहीं मानते जैसे हम, वैसे क्यों नहीं मानते। तो वो थोड़ा जैसे डिसअपॉइंटमेंट उस समय बहुत हुआ था। फिर बाद में धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग, तो एक्सेप्टेंस अंडरस्टैंडिंग तो बाद में आए। बट अभी जैसे ये खास ये शेयरिंग के लिए हमने अपना जीवन को बहुत फ्लैशबैक में गए, रिवाइंड बैक माय लाइफ, बहुत जैसे ऑब्जर्व किया हमारी लाइफ को, कैसे हर हर स्टेजेस में बाबा ने कैसे मदद किया। और जैसे कि बाबा ने एटलीस्ट जैसे खाने में बाबा ने कितना श्रीमत, बाबा ने बहुत एम्फसाइज दिया कि कितना फोकस कंसंट्रेशन, एटलीस्ट खाने के ऊपर तो बहुत बाबा ने डायरेक्शंस दिया। तो जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में समय या ऑफिस हम काम करते थे, मैं न्यूरो साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन, तो जैसे पेशेंट्स के साथ और डॉक्टर्स के साथ बायोप्सी सैंपल, कैंसर बायोप्सी सैंपल्स, वो सब एनालाइज करना था। तो जब कंपनी में लैब में एनुअल डिनर्स होते थे, तो ये एक एक्सपेक्टेशन रहता है ना सभी को कि हम उनके साथ बैठे, उनके साथ खावे। और हम ये कहते थे नहीं, हम वेजिटेरियन हैं, हम बाहर नहीं खाते हैं। तो कभी कभी ये भी कहते हैं अच्छा ये भी वेजिटेरियन है, आपके लिए खास ऑर्डर किया है, लेकिन ये नहीं समझते हैं ना कि इट्स नॉट जस्ट वेजिटेरियन फूड, बट ये जो एनर्जी है खुद पकाने का है, ये सब बाकी लोग नहीं समझते हैं। तो कई आत्मा ने जैसे हमारे पीछे बहुत गॉसिप किया, या फिर हमारे सामने बहुत जैसे बताते हैं आप क्यों फ्लेक्सिबल नहीं रहते हो। तो जैसे ये सब एक जैसे एक्सपीरियंस है, ड्रामा नहीं दिया। और अभी अभी जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हम ये कह सकते हैं वो एक टेस्ट पेपर भी था कि बाबा के ऊपर या फिर बाबा की जो प्रिंसिपल के ऊपर कितना फर्मनेस है। तो वो सब एक टेस्ट पेपर था। और जब हम 18 साल के थे तब मिलिट्री में ज्वाइन करना था। व्हेन यू टर्न 18, जब आप 18 साल होते हो, तब मलेशिया, इन मलेशिया एक सिस्टम है दैट यू आर ड्राफ्टेड इनटू मिलिट्री। और इट्स जैसे नॉट नॉट एवरीवन, सब लोग नहीं जाते हैं, बट जैसे गवर्नमेंट आपको चूज करते हैं, कंप्यूटर में एक सिस्टम है चूज करके, फिर न्यूज़पेपर में जिस जिसका नाम चोजन हुआ है वो न्यूज़पेपर में डालते हैं। तो आपको फिर देखना पड़ेगा आपका नाम है कि नहीं, तो फॉर्चुनेट कहो अनफॉर्चुनेट कहो, हमारे नाम था। तो फिर 3 months रिकॉल विगोरस ट्रेनिंग, जैसे विगोरस क्या कहते हैं, जैसा हार्ड कोर ट्रेनिंग था मिलिट्री में, आपको पता होगा मिलिट्री का ट्रेनिंग कैसे होता है। तो वो इतना बड़ा एकेडमी में खाली हम और दूसरा एक भाई था जो बुद्धिस्ट है, खाली हम दोनों ही वेजिटेरियन थे, बाकी लोग नहीं थे। तो जब हमने ज्वाइन हुआ एकेडमी ट्रेनिंग कैंप में, तो पूछा मेन फैसिलिटेटर को कि हम वेजिटेरियन हैं और हमको वेजिटेरियन खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो कुकिंग तो नहीं कर सकते, तो बस दृष्टि देखकर ही खाना पड़ता है। और वो ट्रेनर ने मना किया क्योंकि ना दोनों ही है, तो जस्ट बी फ्लेक्सिबल, या आपका यहाँ आपका जो पसंद ना पसंद नहीं चलेगा, जो आप खा सकते हो इसमें से आप खा लो।
और क्या था जो खा सकते थे? व्हाइट राइस, बस व्हाइट राइस एंड फ्राइड पीनट्स, इतना ही था। और बाकी तो सब मीट है, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं ना कि मीट खा कर जैसे स्ट्रेंथ और मसल कैपेसिटी नो ये सब चाहिए। तो वो फर्स्ट फ्यू डेज हमको याद है कि हमने बहुत जिद किया, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तो खाली फ्रूट्स ही खाए थे। और ट्रेनिंग इतना, हाँ जैसे हार्ड ट्रेनिंग था कि समटाइम्स 12-16 आवर्स हमको जैसे ट्रेनिंग मार्चिंग ग्राउंड में था। और इतना हॉट सन, इतना हॉट सन था, बट फिर भी खाना नहीं दे, जैसे वेजिटेरियन नहीं, खाना नहीं देने वाले थे, तो मैंने खाली फ्रूट्स ही खाया। फिर 5वां दिन वहीं गिर गई ट्रेनिंग ग्राउंड में ही फेंट हो गई, क्योंकि ना न्यूट्रिशन के कारण, और आई वाज नॉट हैविंग इनफ न्यूट्रिशन, तो वहीं गिर गई। फिर ट्रेनर्स को थोड़ा मर्सी आया, चलो अगर उनको खाना नहीं देंगे वो तो इधर ही गुजर जाएगी, तो फिर वेजिटेरियन खाना हम दोनों के लिए बनाने का शुरू किया। फिर बाबा की याद में उस 3 3 मास खाया। तो लेकिन वो 3 मास बाबा ने कैसे कैसे मदद किया, मिलिट्री में गन शूटिंग ट्रेनिंग भी था, और यहाँ हम मेडिटेशन करते हैं पीसफुल रहने के लिए, और वहाँ बंदूक देते हैं हाथ में ट्रेनिंग करने के लिए। तो वो सब बहुत अनुभव था। और फिर जैसे बाबा ने कहा ना कि वंडरिंग सोल्स, वंडरिंग सोल्स जो आत्मा शरीर छोड़ती है और कोई भी कारण से, किसी भी कारण से, लेकिन जैसे इट्स द वंडर्स अराउंड, क्या कहते हैं, भटकते रहना। हाँ ऐसा वो बहुत था वहाँ, इट वॉज अ लॉट। क्योंकि हमारा बेस कैंप है इट्स इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में था, और आजू बाजू में कोई जन नहीं थे, देयर वॉज नो बडी लिविंग अराउंड द बेस कैंप, इट वॉज इन द हिल, और अराउंड द हिल आजू बाजू थिक फॉरेस्ट था। तो जैसे शुरू शुरू में जैपनीज की, जैसे व्हेन जैपनीज वाज रूलिंग मलेशिया, उस समय वो एक ग्राउंड, इट वाज द स्लॉटरिंग ग्राउंड, लोगों को मारा, दे बर्न डाउन पीपल, तो वो एक स्लॉटरिंग ग्राउंड था। फिर उस वो ग्राउंड को क्लियर करके ये मिलिट्री कैंप बनाया, लेकिन आजू बाजू वो आत्मा वहाँ की वहीं स्टक है, वो जंगल में ही स्टक है। तो जब हम लोग थे तो परेशान तो बहुत किया सभी को, क्योंकि उनको ये सोच चला कि हम उनके घर में आए, हम जैसे उनकी टेरिटरी में आए। तो बाबा ने कैसे, ऐसे ऐसे परिस्थिति में बाबा ने सेफ कैसे रखा, तो प्रेतात्माओं ने परेशान किया क्या इविल, तो है, किसने परेशान? इविल सोल्स ने। यस ओके ओके जैसे पोजेस, पोजेस पीपल, वो सब रोज कुछ ना कुछ, जैसे किसी किसी को तो पोजेस्ड तो होता था। तो फिर और ये भी डर था ना कि अभी नेक्स्ट किसका टर्न होगा जैसे रात जब आप सोने के लिए जाते हो ना कैंप में, तो मिडल ऑफ द नाइट आपका बाल खड़ी होता है, योर 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 हेयर, क्या कहते हैं, जैसे यू कैन फील एनर्जी, क्योंकि आत्मा तो एनर्जी है, तो अगर एनर्जी नेगेटिव है वो पता चल जाता है कि कोई है आजू बाजू में, कोई है। तो उस समय जैसे बाबा को ऐसे विजुअल किया कि और खटिया भी नहीं था, ऐसे नहीं कि खटिया था, इट्स नॉट खटिया, स्टील बेड था और उसके ऊपर कैनवस था, एंड दैट्स इट, यू आर स्लीपिंग ऑन अ स्टील बेड विद अ कैनवस, ताकि वो ठंड ना रहे। सो वो खटिया, इट वॉज सो हेवी, क्योंकि वो पूरा स्टील का था। तो जब आत्मा के, जैसे आत्मा प्रवेश होती है ना किसी की शरीर में,
एंड दे बिकम सो स्ट्रांग कि वो पूरा खटिया को जैसे हिल सकते थे. एंड यू नो ओके यू नो दिस सोल इज पजेस्ड, ऐसे आपको पता चल जाता है. और वो एनर्जी यू नो यू कैन फील एनर्जी इतना थिक थिक था. तो हम हमेशा एवरी नाइट खटिया में बैठकर सोने से पहले बाबा को ये विजुलाइज किया कि बाबा हमारे सामने खड़े हैं. और बाबा का जो दृष्टि है, जैसे पूरा चारों बाजू खटिया पे फायर है, रिंग ऑफ फायर. हमने ये विजुलाइज किया कि हमारे आजू पूरा रिंग ऑफ फायर है और बाबा सामने खड़ा है. तो बाबा को ये बोलती थी, अच्छा बाबा अभी आप टेक केयर करना, अभी आप प्रोटेक्ट करना. और ये जो पिल्लो है, हम हमेशा ये विजुलाइज करते थे, ये बाबा बाबा की गोद है. तो हम ये बाबा को कहते थे, बाबा अभी हम आपकी गोद में आ रहे हैं. तो ऐसे करके हम सोते थे. फिर जैसे मिडल ऑफ द नाइट, जैसे हमने कहा, यू कैन फील कुछ एनर्जी है बाजू में, आपका हेयर भी खड़े रहते थे. तो उस समय वापस बाबा को विजुलाइज किया और रिंग ऑफ फायर है हमारे आजू बाजू में. और फिर धीरे धीरे आफ्टर फ्यू मिनट्स यू कैन फील जैसे वो कुछ जा रहा है आपसे, कुछ जा रहा है, इट्स मूविंग, द एनर्जी इज मूविंग अवे. ऐसे फिर पूरा जैसे शांत, पूरा वातावरण शांत. तो ऐसे बहुत हर रात को कुछ ना कुछ तो होता था. तो बाबा ने बहुत मदद किया उस समय भी. तो हमेशा हम ये सुनते थे ना, बाबा ने ये कहा कि बाबा को सरेंडर करो, बाबा संभालेगा. बचपन में ये सब बहुत सुनते थे, लेकिन वो अर्थ कभी नहीं समझते थे. क्योंकि देखो, फैमिली बाद में स्पिरिचुअल बन गई, तो स्पिरिचुअलिटी जैसे एक कॉम्फर्ट जोन हो गया ना. तो कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है, जैसे जैसे सब लोग सेंटर भी संभालते हैं. तो लेकिन उस समय ऐसे घड़ी ड्रामा भी देती है, जो आपका फेथ बाबा के ऊपर टेस्ट पेपर मिलता है. और उस समय आपको पता चलता है बाबा के ऊपर कितना फेथ है. क्योंकि ऐसे टाइम्स में, ऐसे समय कोई एक दूसरी ह्यूमन बीइंग, दूसरी आत्मा आपको मदद नहीं कर सकती. क्योंकि कोई क्या देख सकते, दूसरी आत्मा तो आगे से देख नहीं सकते, लेकिन फील तो कर सकते हैं. तो समय बाबा ही आपको मदद कर सकता है. तो ऐसी छोटी छोटी बात बाबा के पास बहुत खींच कर लेके आई. और फिर जब हमारी यूनिवर्सिटी ने हमको यहाँ यूएस में भेजा, हमारी स्पेशलाइजेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तब फिर ग्रीन कार्ड लॉटरी में मिला. ऐसा था बाबा और ड्रामा का जादू. हमको बिना कुछ मेहनत से ग्रीन कार्ड लॉटरी से मिला. फिर उसके बाद सिटीजनशिप मिला. सो फिर अभी यही है एलए में. ओके okay. फिर आगे यूएस की सेवाओं के बारे में भी थोड़ा सुना है, अभी हमारे पास काफी टाइम है। अच्छा, यूएस की सेवा में. अच्छा, तो यहाँ बाबा के सेंटर में, एलए सेंटर में, हमको स्टूडेंट्स है 21 नेशनलिटीज है, 21 कंट्री से, देश से स्टूडेंट्स है. तो बहुत मिक्स्ड कल्चर है, सबका अपना अपना भावना है, अपना अपना संस्कार है, अपना अपना पर्सनालिटी है. तो सबको समझना, सबको सबके साथ एकोमोडेट करना बिना कुछ एक्सपेक्टेशंस, तो वो बाबा ने बहुत सीखा यहाँ आने के बाद. क्योंकि मलेशिया भी जैसे इंडिया जैसे ही है, जैसे ज़्यादातर इंडियंस ही है. तो वहाँ जब इंडियंस होते हैं तो संस्कार ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है ना, कल्चर ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है. यहाँ आने के बाद जैसे शुरू शुरू में जब वेस्टर्न सोल्स, अमेरिकन सोल्स, सिस्टर्स जो कोर्स दिया, फिर जैसे सभी को बहन और सिस्टर बुलाना ऑटोमेटिक हो जाता है ना.
वो हमारी जैसे एक हैबिट भी बन गया बाबा के पास आने के बाद सभी को भाई भाई बहन ब्रदर सिस्टर बुलाना। लेकिन हमको ये कभी सोचा नहीं था कि किसी को बहन बुलाने से उसको बुरा लगता है। तो एक बहन थी, उसने कहा प्लीज डोंट कॉल मी सिस्टर, हमको सिस्टर नहीं बुलाओ, इट फील्स लाइक इट फील्स लाइक आई एम इन द चर्च, लाइक आई एम नॉट अ सिस्टर, आई एम नॉट अ नन, डोंट कॉल मी सिस्टर। तो उस समय थोड़ा झटका हुआ, लाइक हम दूसरी भावना से बुलाते, और इस आत्मा को शायद इन्हों पता नहीं क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नंस के साथ, और तो सभी का ऐसा ऐसा जैसे कहीं 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 ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ था वेस्टर्नर्स के साथ। तो बाबा ने बहुत जैसे ये सिखाया कि सभी को उनका जैसे शब्द को नहीं जाओ, भावना के जाओ, भले कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन अंदर से उस आत्मा का भावना क्या है वो समझने की बात है। तो बाबा ने ये भी ट्रेनिंग दिया कि किसी का बिहेवियर हो या किसी का बातों में हर्ट नहीं होना, बट अंडरस्टैंड वो आत्मा, अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड वो आत्मा को एक्चुअली क्या चाहिए। तो और दूसरा ये भी है, यहाँ जो लोग हमने ये अप्रिशिएट कर सकते थे कि वेस्टर्नर्स में ये जैसे एक हैबिट है, दे इधर बी ब्लैक और वाइट, दे कैन नॉट बी ग्रे। मतलब ये है कि आपके सामने कभी कनिंग नहीं रहेंगे, पसंद है बोलेंगे पसंद, ना पसंद है आपके सामने बोल देंगे कि पसंद नहीं है, ऐसे नहीं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो ट्रस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये आत्मा बहुत फ्रैंक है, हॉनेस्ट है, तो ये भी उनका बहुत बड़ा स्पेशलिटी है, हॉनेस्टी। लेकिन कभी कभी यही हॉनेस्टी ही उनका प्रॉब्लम लेके आते हैं, फंस फंस जाते हैं, कहाँ हॉनेस्ट रहना है और कहाँ बात करना है और कहाँ नहीं करना है। तो हम उनसे ये सीख रहे हैं और वो हमसे ये सीख रहे हैं कि जैसे बाबा ने कहा युक्ति युक्त, कैसे युक्ति युक्त रहना वो हमसे सीख रहे हैं। तो लर्निंग तो बोथ वेज ये होता है। और फिर एलए सेंटर, एलए सिटी बहुत बड़ा है वैसे, बहुत बड़ा है, तो सभी को ड्राइव करके एलए सेंटर में आना कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन कभी कभी कई आत्मा ऐसी दूर रहते हैं जैसे 1 घंटा लग जाता है ड्राइव करके सेंटर में आने के लिए। तो इसीलिए फिर धीरे धीरे गीता पाठशाला बनाया है, यहाँ हम गीता पाठशाला नहीं कहते, हम स्टडी प्लेसेस कहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के घर में उनकी हॉल में या एक रूम में क्लासेस हम हफ्ते में एक बार जाते हैं और क्लासेस कराते हैं। अभी तो सब जूम पर है, लेकिन कोविड के पहले हम एवरी डे कहीं ना कहीं सिटी में हम जाते थे, और हमको 7 बजे क्लास के लिए वहाँ, शाम को हमको घर से 5 बजे निकलना है, सो इट्स लाइक अ 2 आवर्स, क्योंकि ट्रैफिक इतना था। तो ऐसे करके 8 गीता पाठशाला क्रिएट किया। फिर एवरी प्लेसेस, कई कई गीता पाठशाला बहुत दूर है, जैसे 3-4 घंटा ड्राइव है, वहाँ हम मंथ में एक बार जाते थे, और बाकी जो नजदीक लाइक 1 आवर, 1.5 आवर ड्राइव, वो तो हम हफ्ते में एक बार जाते थे। तो अभी जैसे जूम ने सभी को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि वहाँ जब हम जाते थे उस आत्मा उस सभी आत्मा को हफ्ते में एक ही बार मुरली को सुनने को मिलता था, है ना। अभी तो जूम पर होल फैमिली बैठकर साथ में अभी मुरली सुनते हैं, साथ में पुरुषार्थ करते हैं, अभी जैसे फैमिली कंप्लीट लगता है, कंप्लीट फीलिंग होता है। तो ऐसा है जूम, जूम और कोविड का जादू। बिल्कुल बिल्कुल, विश्व एक परिवार प्रैक्टिकल में हो गया साइंस के साधनों के द्वारा। तो जैसे आपने कहा आपकी यूनिवर्सिटी ने मलेशिया से आपको US भेजा और आपको ग्रीन कार्ड लॉटरी में मिला, दैट्स फाइन।
यूएस में जाकर के फिर कैसे आपका गीता बहन से कनेक्शन हुआ? क्या पढ़ाई के लिए लॉस एंजलिस ही आप गए, और वहां गए तो फिर कैसे सेंटर पर रहने का आपका मूड कहो या माहौल कहो बन गया? कैसे आपके समर्पण की बात हुई, वो उस पर भी थोड़ा फोकस डालें। अच्छा, तो हमारी यूनिवर्सिटी जो मलेशिया की यूनिवर्सिटी है वो एक यूएस की यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में है। तो जो भी स्टूडेंट्स वहाँ ये मलेशिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उनका पूरा ट्रेनिंग यूएस में मिलता है। तो इसलिए ऐसे ही करके हम एलए में आए। वैसे हमारी यूनिवर्सिटी दूसरी सिटी में थी, उस सिटी का नाम है पोमोना। और पोमोना और एलए उसका डिस्टेंस इतना है कि इट टेक्स अबाउट जैसे 45 मिनट्स टू 1 आवर ड्राइव, पोमोना और एलए सिटी। तो 2 साल तो वहाँ कैंपस में रहे, लेकिन हर सेमेस्टर ब्रेक्स, एवरी वीकेंड, एवरी सेमेस्टर ब्रेक में सेंटर पे आती थी 3 बस लेकर। तो 4 घंटा था एक वन राउंड, वन वे वाज 4 आवर्स। 3 बस लेकर के सेंटर में आते थे क्योंकि इन सेंटर ही घर है ना। तो एवरी वीकेंड जैसे बाबा, ऐसे लगता है कि बाबा खींचता था आने के लिए। तो जब हम कैंपस में थे तो मंडे मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह, जैसे हमारा क्लासेस 7 to 5, 7 AM to 5 PM होता था। फिर 5:30 to 9:30 हमारा जॉब होती थी, क्योंकि ना एक्सपेंसेस जैसे रेंट हो, खाने का हो, ये सब एक्सपेंसेस हमको करना पड़ता है ना। यूनिवर्सिटी खाली ट्यूशन फीस पेमेंट करते थे। तो फिर वापस हॉस्टल में आए 10 बजे हो जाता था। फिर उसी समय फिर वापस आके शावर करके पकाती थी। फिर बाबा को 11 बजे भोक होता था। तो हम हमेशा बाबा को ये कहते थे, आई एम द लेटेस्ट गिविंग यू भोक। 11 बजे बाबा को भोक मिलता था, तो वही हम डिनर के लिए खाते थे और नेक्स्ट डे लंच के लिए पैक करते थे। तो ये रूटीन था। फिर फ्राइडे हमने बताया कि काम नहीं, मुझे काम नहीं करना है फ्राइडे क्योंकि मुझे एलए जाना है। तो एज सून एज जैसे 5 o'clock क्लास खत्म होने के बाद, देन वहाँ से ही कैंपस से ही फिर बस लेकर के फिर सेंटर पहुँचते पहुँचते 8:30 9 बज जाता था। लेकिन पहुँचते तो ज़रूर। तो वो दैट वॉज द हैप्पीनेस फॉर मी कि अच्छा बाबा के पास वापस आ गए ना। हर फ्राइडे आती थी और संडे रात को वापस कैंपस जाती थी। और फिर हर सेमेस्टर हॉलीडेज बाबा के घर में ही थे, सेवा करते थे, टीचिंग्स, कर्म योगा वो सब करते थे। फिर ग्रेजुएशन के बाद 2 साल के बाद गीता बहन ने ये पूछा कि अभी आपका क्या प्लान है। हमने बोला कुछ प्लान नहीं। तो गीता बहन ने बोला अभी परमानेंटली आ जाओ यहाँ रहने के लिए। तो आ गई सेंटर पे और नज़दीक में ही काम मिला। तो जैसे 20 मिनट्स का ही दूर था हमारा जॉब सेंटर से। तो सुबह मुरली पढ़ने के बाद क्लास में मुरली पढ़ने के बाद फिर अगेन चेंज क्लोथ्स, प्रोफेशनल क्लोथ्स, फिर बागो काम पे, फिर वापस आओ 6:30। फिर जल्दी जल्दी डिनर खाने के बाद वापस साड़ी पहनो, फिर वापस क्लास शाम को भी। तो लेकिन वो ऐसा था कि बाबा ने बहुत जैसे सपोर्ट दिया, स्ट्रेंथ दिया, और फैमिली से भी जो प्यार मिला, तो वो सब जैसे मेक मी गोइंग। जैसे भले कभी 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 जैसे थकावट भी होता है क्योंकि इट्स लाइक नॉन स्टॉप ऑन गोइंग। अमृत वेला से रात बेड तक थिंग्स टू डू, थिंग्स टू डू, थिंग्स टू डू। बट खुश भी बहुत था। आई वाज वेरी हैप्पी इंटरनली। वो खुश भी बहुत था, तो इंटॉक्सिकेशन भी, इसीलिए आई वाज एबल टू डू। फिर जैसे 2015 में हमारा
जो लैब हमारा क्लिनिकल लैब था वो एक दूसरी कंपनी ने खरीदा, तो यू नो एक्विजिशन हुआ. तो जब वो कंपनी ने खरीदा, 70% ऑफ द स्टाफ्स वो कंपनी ने जैसे निकाल दिया, और उनमें से हम भी है, हम भी थे जो यू नो दे लेट गो, और खाली 30% स्टाफ्स ही रखा. तो ऐसे फिर जॉब छूटा, फिर जॉब भी ढूंढ रहे थे, लेकिन साथ साथ सेवा में फिर ज्यादा जैसे बिजी हो गए, इन्वॉल्व हो गए, और सेवा भी बहुत बढ़ गई थी उस समय. तो फिर धीरे धीरे जॉब जैसे करना, वो धीरे धीरे डिसइंटरेस्ट आने लगा कि यू नो जैसे हमको वो प्रोफेशनल लैडर क्लाइम करने का वो इंटरेस्ट अभी नहीं रहा कि कुछ बनो कुछ करो, वो सब जैसे इंटरेस्ट धीरे धीरे छूट गए. फिर पेरेंट्स को पूछा कि क्या हम सरेंडर कर सकते हैं बाबा की सेंटर पे, और हमको ये सरप्राइज हुआ कि पेरेंट्स ने फुल ब्लेसिंग्स दिया, और मदर ने ये बताया कि उनका बहुत सालों की ये इच्छा था कि हम तीनों में से, हमको दो जैसे एक भाई और एक बड़े भाई और बहन भी है और हम छोटे हैं, हम तीनों में से एटलीस्ट एक आत्मा तो बाबा की सेवा में समर्पित होना है. लेकिन हमको ये बताया नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को ये नहीं चाहते थे कि उनका जैसे रिक्वेस्ट जैसे हमको ठोक दे, यू नो दे वांटेड अस टू मेक आवर ओन डिसीशंस फॉर आवर लाइफ. और उनको इतना खुश था कि हमारा भी वही जैसे सोच हम कि बाबा को लाइफ ये जीवन देवे. तो ब्लेसिंग्स मिला, दे से गो हेड, और फिर गीता बहन को बोला, गीता बहन भी बहुत खुश हो गई. फिर उस दिन के बाद जॉब ढूंढना बंद. अभी तो रिक्वेस्ट बहुत आ रहा है ईमेल में कि ज्वाइन हो जाओ ज्वाइन हो जाओ, इसलिए कभी कभी बाबा को बोलते थे जिस समय चाहिए उस समय तो नहीं मिला, अभी तो नहीं चाहिए, अभी बहुत आ रहा है रिक्वेस्ट. तो ये हुआ. जी, अच्छा, तो जैसे आप 30 इयर्स से इस ईश्वरीय ज्ञान में है, तो आप लगभग कितनी बार मधुबन विजिट किया आपने? ओह माय गॉड, बहुत है. लास्ट जब हम 12 साल की थी, दैट वाज माय लास्ट विजिट था. उस समय जैसा फैमिली में इकोनॉमी बहुत डाउन था, दोनों पेरेंट्स को जॉब, दे लॉस्ट देयर जॉब्स जब हम 13 साल की थी. सो घर में खाना हो या फाइनेंस हो, वी वर अ लिटिल चैलेंज्ड, वो एक इशू था. फिर जब हम यूएस में आए, It came about, I think I was 19 or 20. Yeah, I think I was 20 when I came. So that was the first time फिर हम मधुबन गए थे. But बचपन में तो बहुत जाते थे. I think the जब जब हम 10 साल के थे तब जाते थे, 12 साल के थे. और फिर when I was 20, I went to मधुबन. फिर हर साल जाते थे. अभी कोविड के कारण नहीं जा पाए, लेकिन ये हिसाब किताब बाबा से वसूल जरूर करूंगी. ये तो अच्छी बात है। तो आपको मलेशिया और भारत में क्या समानता लगी और क्या विषमता लगी? सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस अब ये पूछते हो ना. अच्छा, तो सिमिलैरिटीज ये है कि बाबा के लिए जो प्यार है, यज्ञ के लिए जो प्यार है, वो हर आत्मा के अंदर सेम है, सेम रहता है. आप जो भी सेवा जैसे आप करते हो, भले भाषण देते हो या दूसरी कर्मयोगा करते हो, हर आत्मा से हम हमेशा ये ढूंढते थे. हर आत्मा जिसको भी हम मिलते थे, हम इस आत्मा से प्रेरणा क्या हम ले सकते हैं, जैसे अंदर से हमारा ये दिस थॉट कि जिस आत्मा को हम मिलते हैं, इस आत्मा से प्रेरणा मैं क्या ले सकती हूँ. एंड आई सॉ, हमने ये जैसे ऑब्जर्व किया, बाबा के लिए प्यार वो तो सेम ही रहता है सभी के लिए. आप जहाँ भी हो, जो भाषा बोलते हो,
भावना तो सेम है, डिफरेंसेस ये है शायद हमारा व्यवहार में बिहेवियर का हो, या जैसे हम बात करते हैं, टास्क करते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंसेस तो होगा, बट आई थिंक मोर देन डिफरेंसेस आई वुड लाइक टू फोकस ऑन भावना. जी बिल्कुल। तो अभी आप जैसे 16 सालों से गीता दीदी के साथ है, तो गीता बहन की दो विशेषताएं आप बताएं आपके हिसाब से। अच्छा, गीता बहन सुन रही हैं अभी? आपको पता तो दो विशेषता आपको बहुत है. बहुत है, लेकिन मैंने दो ही पूछा, ज्यादा वो बता हाँ, सकते हैं, ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन दो कम से कम। अच्छा. हमको जैसे जब हम मलेशिया में थे, हमको हमेशा ये एक किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी भी केस के अंदर भी हम रिजिड रिजिड रह सकते हैं. जब बाबा कहता है ना कि हमारा जब प्रिंसिपल्स तो है, जैसे मुरली में आना और मेडिटेशन करना, और जब कहीं आत्मा सेंटर पे नहीं आते हैं, या फिर उनका जैसे कपड़ा का हो, थोड़ा लाइफस्टाइल बदल जाता है, हम हमेशा ये कहते हैं अच्छा आत्मा माया उनको पकड़ गई. या फिर कई समय के बाद जब आत्मा सेंटर पे आते हैं, हम ये पूछते हैं अच्छा आप कहाँ गए थे, लाइक थोड़ा वो रिजिड, वो एक्सपेक्टेशन रहता है कि सभी लोग एक जैसे होना चाहिए, अगर आप ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, बीके नहीं है. और जब आत्मा जैसे बीके होने के बाद अगर जैसे मैरी करते हैं, या फिर जैसे अपना जैसे जो भी लाइफस्टाइल है वो फॉलो करते हैं, तो कभी कभी वो रिजिडिटी हो जाते हैं ना, अभी देखो वो बीके नहीं है. तो अंदर से हमको हमेशा ये थॉट्स चला कि ये सब करने के बाद ही मुझे, एम आई ओनली अ बीके आफ्टर डूइंग ऑल दिस, कि अगर एक बार हमारा फैमिली बन जाते, वो लाइफ टाइम के लिए फैमिली होगा ना, ऐसे नहीं अगर हम ये सब करें तभी फैमिली माने, और अगर ये सब नहीं करें तो अभी आप बीके नहीं है, या फिर आप फैमिली नहीं है. हमको ये जैसे ये रिजिडिटी हमको कभी पसंद नहीं था. एक बार फैमिली देन लाइफ टाइम फैमिली. अब यहाँ हो नहीं हो, फॉलो करते हो फॉलो नहीं करते हो, फैमिली तो जैसे रिश्ता जुड़ जाता है. तो हमने ये गीता बहन से बहुत, जैसे दिस वाज वन स्पेशलिटी दैट मेड मी क्लोज टू हर, कि गीता बहन सभी को एक्सेप्ट करती है, भले वो जैसे बाबा के ज्ञान फॉलो करते हैं, शादी करते हैं, कहीं कुछ भी, आप जो भी जैसे आपके जो आप लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, फिर भी सभी के लिए प्यार तो है. एंड यही हम हमेशा ढूंढते थे लाइफ में, कि क्यों हम किसी को कभी भी जैसे जजमेंट्स जजमेंट्स कभी नहीं करना है, भले वो आत्मा जो भी अपनी मन करे, बट एक्सेप्टेंस. तो ये गीता बहन की सबसे बड़ा विशेषता ये है, एक्सेप्टेंस. तो दिस ब्रॉट मी क्लोज टू हर. और दूसरी ये बात भी है, ही अंडरस्टैंडिंग. हमारा नेचर ये है, हम थोड़ा पैसिव है, हम जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, शुरू शुरू में पैसिव थे तो जल्दी अपनी मन की बात एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जैसे अंदर से छुप छुप, क्योंकि ना शायद ऐसी कल्चर से ही आए, कि अगर कुछ बोले तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे, हमारे बारे में क्या बात करेंगे, तो वो भी थोड़ा डर रहता है ना. लेकिन गीता बहन हमारे बिहेवियर से समझते थे हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो बिना कुछ कहने के बाद, जो भी कुछ कहने के बिना, गीता बहन वेरी फ्रेंडली फ्रेंडली तरफ से शी वुड टॉक टू मी. वो हमको पसंद था कि
सीनियर तो हाँ, सीनियर मतलब सीनियर तो एक गाइड है, लेकिन सीनियर फ्रेंडली भी होना चाहिए ना ऐसे नहीं कि वेरी स्टर्न एंड स्ट्रिक्ट. गीता भी स्ट्रिक्ट धारणा में है, व्यवहार में फ्रेंडली है. और हमेशा हमको यही मैं हमेशा ढूंढती थी कि भले सीनियर हो, लेकिन अगर उस आत्मा के साथ अगर मैं अपनी बात दिल का शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो फिर वो रिश्ता में थोड़ा क्या कहते हैं, देयर बी एम्प्टीनेस इन दैट रिलेशनशिप. सो आई कैन बी फ्रेंडली विथ हर. जैसे हम हमेशा गीता बहन को मजाक में ये कहते हैं कि हम गीता बहन से धारणा सीखा और गीता बहन हमसे हंसना सीखा. अच्छा बिकॉज आई लाइक टू मेक जोक्स, आई डोंट लाइक टू बी सीरियस. जैसे सेंसिबल है बट नॉट लाइक हर समय सीरियस. हम कुछ ना कुछ ह्यूमर करते हैं, जोक्स करते हैं. शुरू शुरू में गीता बहन स्माइलिंग थोड़ा कम था, अभी तो स्माइलिंग बहुत है. बहुत अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, तो जैसे आपने अभी गीता दीदी के बारे में जो बातें सुनाई, तो 16 साल भी एक लंबा पीरियड होता है, तो इस दरमियान में कई बार ऐसे भी कुछ सीन आए होंगे ड्रामा के, जब थोड़ा दिल शिकस्तपना आपको आया होगा, और शायद उस वक्त लौकिक माँ बाप आपके साथ होते तो वो सीने से लगाते और उसका रुझान आपको देते, और उस वक्त गीता दीदी ने भी आपके साथ पार्ट प्ले किया होगा, तो ऐसी कोई बात जो कुमारियों के लिए प्रेरणादायी बनेगी कि जो निमित्त इंस्ट्रूमेंट टीचर भी बड़ी, जिसको बड़ी बहन कहेंगे, वो भी कैसे माँ से, माँ का प्यार और माँ सी पालना देती है और दे सकती है, ऐसी कोई घटना आपके 16 साल के इस जीवन में आई हो जो लौकिक माँ की कमी जहां आपको लगा के आज पूरी कर दी आदरणीय गीता दीदी ने, ऐसा कोई उदाहरण अगर आप सुना सके। जैसे हमने कहा कि हम हमारा नेचर है थोड़ा पैसिव है, हम जल्दी नहीं जैसे बताते हैं दिल की बात. तो हमारी लाइफ में कई दो ही जन हैं जो हम पूरा जैसे दिल की बात बताते हैं, एक माँ के साथ और एक गीता बहन के साथ. तो माँ तो मलेशिया में रहती है, तो भले वो बीके हो, लेकिन कभी कभी बच्चे की अगर कुछ जैसे चैलेंजेस बच्ची को जैसे फेस करना होता है, तो माँ को दिल को थोड़ा हो जाता है ना परेशान ऐसा. तो इसलिए अभी ज्यादा मदर के साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि ना उतना दूर बैठती है तो उसको क्यों तकलीफ और ये सब देवे. तो ज्यादातर अभी गीता बहन के साथ शेयर करती हूँ, और गीता बहन के साथ शेयर करने से पहले पहले बाबा को शेयर करती हूँ. हमारी बचपन की ये एक आदत था कि हम कभी भी सामने पूछते नहीं थे, भले माँ बाप से भी. अगर हमको कुछ चाहिए तो पहले बाबा के रूम में जाती थी और बाबा को बोला, पापा दिस इज वेरी नाइस बट बाबा इफ यू थिंक आई शुड नीड इट आप देना. बाबा को एक जैसी बिजनेस डील करती थी, बाबा हमको ये बहुत पसंद है लेकिन अगर आप चाहते हो, अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही है तो आप मेरे को देना. तो ऐसे करके फिर बाबा कैसे पेरेंट्स को जैसे इंस्पिरेशन देते थे, फिर वो लोग वही चीज जो ले हमको चाहते वो लेके आते थे. तो ऐसे ही गीता बहन द्वारा भी बाबा ने बहुत मदद किया हमको. कुछ भी जो चाहिए, कुछ भी फीलिंग्स है, कुछ भी डिजायर एक्सपेक्टेशन है, पहले बाबा के पास रखते थे, फिर बाबा कैसे गीता बहन को टच करते थे, फिर वही बात निकल जाता है या फिर किसी भी तरह वो मिल जाता है. सो जरूर गीता बहन शी बिकेम द मेन इंस्ट्रूमेंट, पर बाबा ने बहुत जादू किया है गीता बहन द्वारा. तो इसीलिए बाबा को भी बहुत बहुत शुक्रिया और गीता बहन को भी बहुत बहुत शुक्रिया. सो बोथ मेन रीजंस. जी, तो विशेषताएं देखने की आपके अंदर कितनी सुंदर विशेषता है, ये भी आपकी बातों से समझ में आया। तो फिर स्नेहा बहन की एक विशेषता बताओ, क्योंकि कल उन्हें हम सुनेंगे, तो अभी से एक विशेषता हम एक जान लेते हैं, स्नेहा बहन की कोई एक विशेषता आप बताएं।
अभी से स्नेहा बहन हंस रही है। स्नेहा बहन को साथ हमने ये भी उनको उनके साथ भी ऑलरेडी शेयर किया है। स्नेहा बहन की बहुत बड़ी विशेषता है कंसिस्टेंसी। वो जो भी करती है, जो भी जैसे एक बार जैसे डिसीजन लेती है मुझे ये करना है, वो किसी भी तरह कभी भी वो छोड़ती नहीं है। शी इज़ वेरी डिटर्मिंड एंड उनमें कंसिस्टेंसी। तो समटाइम मैंने उनको भी ये बताया कि कभी कभी जेलस हो जाता है हमको कि आप कैसे कंसिस्टेंट रहते हो। हम तो ट्राई करते, शुरू शुरू में ठीक है, इंटॉक्सिकेशन है, उसके बाद तो सोडा वाटर हो जाता है। आप तो कैसे कैरी, नो यू कैरी ऑन, यू कैरी ऑन। तो उससे हमने ये सीखा, शी इज वेरी डिटर्मिंड एंड शी इज वेरी कंसिस्टेंट। और उनका ये भी है, शी इज वेरी पेशेंट। सभी का संस्कार रिक्वेस्ट, अभी वो सेंटर में रहने के बाद उनको ज्यादा अनुभव है कि सभी का संस्कार के साथ या सभी का रिक्वेस्ट जो भी आत्मा को चाहिए, शी इज वेरी पेशेंट। सभी को डील करने का तो शी हैज अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो ये उनका बड़ा विशेषता है। इसलिए बाबा ने वो जहां भी थे, बाबा ने खींच करके उनको सेंटर पे लेके आए। बहुत अच्छी बात है। तो स्नेहा बेन आप बताए एक विशेषता हमारे विनोदिनी बहन का, एक विशेषता। तो विनोदिनी बहन की बहुत विशेषता है वैसे, पर उनकी सबसे जो अनोखी विशेषता है वो जैसे मुरली का मनन चिंतन करती हैं। मैंने उनको देखा है, मुरली उनके लिए इतनी प्रिय है, हमेशा मुरली साथ में रखेंगी और अपने कलर्ड पेंस भी साथ में रखेंगी और मुरली में जैसे हाईलाइट करेंगी, लिखेंगी, ड्रॉ भी करेंगी। तो मुरली जैसे उनके लिए जान है और वो उसको मुरली को ही जीवित कर लेती है अपने मनन चिंतन में, और इतना डीप जाती है मुरली के, सभी मुरली सुनाते हैं तो सभी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना डीप और इतना डीप जाकर उनको सरल शब्दों में सबको सुनाना, सबको समझाना, तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। और उन्हें देखकर भी हम सीखते हैं, क्योंकि फिर हम भी फिर मुरली उठाकर विनोदिनी बहन जैसे हम भी अंडरलाइन करके पॉइंट्स निकाले शेयर करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी है उनकी एक विशेषता। और दूसरी एक विशेषता कि बहुत ही क्रिएटिव है खाने के मामले में, खाना बनाने के मामले में। वो यहाँ पे मास्टर शेफ है, मास्टर बेकर। और मलेशियन डिश बनाती है या क्या? हर कुछ आप जो बोले पूरी भैया आप दुनिया यहाँ की आना, भैया आप यहाँ आना, आपको और खाना मिलेगा। आप दुनिया भर के डिशेस देखेंगे और उनको भी अपनी रीति से क्रिएटिव बना के नए नए तरीके से प्रेजेंट करना, ये बहुत अच्छी विशेषता है। वाह, तो 16 कलाओं में पाक कला भी तो एक कला है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे आपने कहा मलेशिया में आपके जो लौकिक परिवार वाले मदर फादर वगैरह जो सेंटर संभालते हैं, मैं चाहूंगा हम उन्हें भी बुलाए और वो भी अपना अनुभव शेयर करे। तो इफ इट्स पॉसिबल आप बात कीजिए विनोदिनी बहन, ठीक है? और अगर वो शेयर करने को तैयार है, तो वैसे हमने मीरा बहन को तो बुलाया था और मीरा बहन ने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया है मलेशिया से, लेकिन ये जो आप आपके लौकिक वालों की बात कर रहे हैं तो हमें और खुशी होगी, हम उनको जरूर सुनना चाहेंगे। और आपकी जो धारणाओं की बात है, कैसे आपने अन्न शुद्धि की धारणा में ध्यान दिया, प्यारे साथियों भाइयों और बहनों, ये भी सुनने और समझने और सीखने वाली बात है कि कितनी विषम परिस्थितियों में भी आपने इस बात को छोड़ा नहीं, यहाँ तक कि वो गिर भी पड़े फिर भी, वो कहते हैं ना भाई कुछ भी हो जाए लेकिन वो छोड़ना नहीं, वो तोड़ना नहीं, वो नियम अनुशासन में कैसे आप रही है, वो बातें भी आपसे सुनने के बाद सीखने को भी प्रेरणादायी बातें मिली। तो बहुत मुबारक हो, अभिनंदन हो। और देखिए हमारे साथ हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर जैन भाई जी भी है, विनोदिनी बहन, स्नेहा बहन, और हमारे जो डॉक्टर साहब है वो साकार बाबा की पालना लिए हुए है। 1968 से आप ज्ञान में है
और चंपा बहन और डॉक्टर जैन भाई युगल रूप में है, और जो कारेलीबाग का सेवा केंद्र है वो आप निमित्त बन करके निमित्त उस बंडिया के समझो माली है। तो डॉक्टर साहब आप भी दो शब्द हमारी देखो मीठी बहने लॉस एंजलस से आई है, गीता दीदी के साथ दोनों बहने हैं और सुंदर अनुभव तो आपने सुन ही लिया है, तो आप कुछ प्रेरणादायी बोल हमारी दोनों बहनों के लिए कहे। और कल डॉक्टर साहब हम स्नेहा बहन को सुनने वाले हैं, आज विनोदिनी बहन को सुना। बहुत अच्छा अनुभव सुनाया और विश्लेषण भी काफी अच्छा किया, और ये देन जो है उनकी इसलिए है, वो हमेशा कहती बाबा मैं क्या करूं, बाबा मैं क्या करूं, ऐसे प्यार से बाबा के साथ जुट जाती है बच्ची बनकर, तो बाबा इनको कितना अच्छा पाठ दिया है, कितनी अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, और अंतर्मुखी भी बहुत है, मंथन करने की भी आदत जरूर है, तो अभी सुन भी रही है ऐसे गंभीरता से, तो इनकी ये विशेषता बहुत नजर में आती है, और सबके गुणों को देखने की विशेषता भी बहुत अच्छी है जो उन्होंने जो अपनी बातें बताई। इसलिए तो हमें तो यही सीखना है कि उनके पास जो गुण मोती है वो हम सब ले और अपने जीवन को भी एकदम विशाल जीवन बनाए, श्रेष्ठ जीवन बनाए, अनुभवी जीवन बनाए, तो यही हमारी थैंक्स होगी यदि हम उनकी बातों को अपने जीवन में भी लाए। तो स्नेहा बेन भी स्नेही आत्मा है, तो उनको भी कल सुनेंगे तो और ज्यादा पता पड़ेगा। बाकी आप विनोदिनी, हाँ विनोदी बेन ने तो गीता बेन को विनोदिनी बेन बना दिया, ऐसा बताया ना, ऐसा ही बताया था मैं समझ। अभी इसीलिए विनोदिनी बेन मिलिट्री की झलक तो नहीं देते हो क्या, मिलिट्री में बहुत स्ट्रीक रहते हैं सब। तो आपको एक बार मिले हैं लेकिन हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे हैं ना, बोलिए तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं बहुत बोल दिया, अभी आपको सुनेंगे। बस ओम शांति। अब तो कहते जब इंडिया में आओ मधुबन में तो यहाँ जरूर आना, अपने गीता बेन तो पहले यहाँ के ही है, बड़ौदा के ही है, तो आप जरूर जरूर आना, दोनों बहने। भारत में भ्रमण किया है आपने? भारत में भ्रमण किया है? इतना नहीं है, किताब ने दिल्ली बेचा ORC, बड़ौदा में एक बार आए थे और बॉम्बे दादी को मिलने के लिए गए थे और हैदराबाद, चार जगह। तो बड़ौदा में आए थे, बहुत अच्छा, अभी फिर से आना है। निरंजना बहन राइट, उनके पास वहां रहते थे, बहुत अच्छा। ओके तो चलिए अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, और आपका जो अनुभव सुना उससे तो जैसे एक ही मैसेज, क्योंकि बाल्य अवस्था से ही आपने खुदा को पहचान लिया, तो बस यही कहेंगे ना कि कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, और जब खुदा नजर आता है तो कुछ और नजर नहीं आता, यही आपके जीवन का संदेश सभी के प्रति है। तो 2 मिनट आप सभी को दृष्टि दे और फिर पूरा करेंगे, ठीक है विनोदिनी बहन। कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, जब खुदा दिखता है, जब खुदा दिखता है कोई और
नजरें